अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, हर साल हर मुल्क में हज़ारा लोग सेल्स के कैरियर में अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं, एक शानदार कारोबारी एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, मगर इनकी अक्सरियत, आप हैरान होंगे कि तकरीबन 90% के करीब इस कैरियर में वो बामे अरूज, वो अरूज नहीं पा सकती, नहीं पा पाती जो ख्वाब सोच कर ये इस मैदान में, इस फील्ड में आए थे। इसकी वजह यह है कि इनके जहन में हर वक्त दो तरह के ख्याल चलते रहते हैं, मैं ये कर सकूंगा, मैं ये नहीं कर सकूंगा, ये मेरी इस्तात से बाहर है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा ऊँचा नहीं जा सकता, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, नहीं नहीं मैं ऊपर जा सकता हूँ, मेरे पास बेशुमार वसाइल है, मैं वसाइल पैदा कर सकता हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, नहीं नहीं मेरी किस्मत बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कामयाब होने के लिए पैदा किया है। आपके अंदर ये जंग मुसलसल चलती है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारी अक्सरियत ये जंग हार जाती है। इसकी वजह यह है कि उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता, और ख़ुद पर यकीन ना होने की बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने 21वीं सदी के स्किल्स, 21वीं सदी की महारतें, 21वीं सदी के उलूम नहीं सीखे होते। उन्होंने ये समझा होता है कि शायद एकेडमिक एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज में उन्होंने हासिल की थी, वही एजुकेशन शायद अमली ज़िंदगी में, ज़िंदगी के अमली मैदानों में भी काम आएगी। होना तो ऐसा ही चाहिए, मगर बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं। अगर आप बड़ी बिजनेस एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप सेल्स के करियर में शानदार नाम कमाना चाहते हैं, एक पूरा साश जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना होंगे, लाइफ स्किल्स सीखना होंगे, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी होगी, इन सब चीज़ों के लिए।